स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स टुडे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर स्पॉटिंग मॉक टेस्ट 2। हमने पहले भी एक मॉक टेस्ट किया था, लेकिन उसमें एक या दो जो डेटा एंट्री करते टाइम एरर्स आई थी वो स्टूडेंट्स ने उसको आइडेंटिफाई किया, उसको कॉमेंट्स किए। दैट मीन्स आप वीडियोज़ को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि आपने खुद से जो आपको सिखाया जा रहा है आपने कितना सीखा, तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग आई गेस। तो आज की जो वीडियो है वो एरर स्पॉटिंग मॉक टेस्ट 2 है। और आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ये कहा था कि जब भी आप एरर स्पॉटिंग की न्यू पैटर्न को अटेम्प्ट करने वाले हैं उसके डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्शंस पढ़े बिना अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शंस थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होती है कि आपने क्या करना है, आपने सही आंसर को मार्क करना है कि आपने गलत सेंटेंसेस को मार्क करना है। ठीक है, तो आप अपने से डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम डायरेक्शन को रीड करते हैं। इसमें ये लिखा है कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो, अब जो भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे देयर आर थ्री सेंटेंसेस, आपको थ्री सेंटेंसेस दिए जाएंगे एंड इन दी सेंटेंसेस वन और मोर सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली रॉन्ग, कि दो या एक या तीनों ही सेंटेंसेस गलत हो सकते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस या फिर सेंटेंसेस एंड मार्क इट एज योर आंसर। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको इनकरेक्ट सेंटेंसेस को मार्क करना है अपना आंसर। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, अनिल कुंबले हैज रिपोर्टेडली स्टेप डाउन एज इंडिया चीफ क्रिकेट कोच अमिड स्पेक्यूलेशन ऑफ अ रिफ्ट विद कैप्टन विराट कोहली। एंड सेकेंड सेंटेंस, टू कमिटीज विल सबमिट देयर रिपोर्ट विद इन 2 and 3 months रिस्पेक्टिवली। एंड थर्ड सेंटेंस है, अमिड कंप्लेंट्स बाय स्टूडेंट्स ऑफ इवेल्यूएशन फॉल्ट्स इन हिज क्लास 12 रिजल्ट्स, CBSE ऑन ट्यूजडे सेट अप टू कमिटीज टू स्टडी द लूप होल्स इन द इवेल्यूएशन प्रोसीजर। अब आपने करना क्या है, अपने तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से सुन लिया है, देख लिया है, तो एक मिनट लीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें एरर कौन कौन से सेंटेंस में है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है तो प्रैक्टिस करना तो ज़रूरी है ना। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि एरर्स या तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की होंगी या टेंसेस की होने वाली हैं, या फिर आपको मॉडल ऑक्सिलरीज प्रेपोजिशंस इस टाइप की एरर्स आएंगी जो आपने ढूंढनी है। ठीक, तो अब आप मैं आंसर्स आपको बताती हूँ, आपने मैच करना है कि आपने क्या एरर्स फाइंड आउट की थी। अनिल कुंबले हैज़ रिपोर्टेडली स्टेप डाउन एज इंडिया, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, वो इंडिया के चीफ क्रिकेट कोच हैं, तो यहाँ पर इंडिया पोस्ट ऑफ एस की कमी थी इसलिए हम इस सेंटेंस को गलत मार्क कर देंगे। ग्रामेटिकली तो पोस्ट ऑफ एस भी एक एरर ही है। सेकंड है, टू कमिटीज विल सबमिट देयर रिपोर्ट, दो कमिटीज हैं उनकी दो रिपोर्ट्स होने वाली हैं, तो यहाँ पर किसकी गलती है, रिपोर्ट्स की, विद इन 2 and 3 months रिस्पेक्टिवली। अगर उन दोनों कमेटीज़ ने इकट्ठे मिलके काम करना था और एक रिपोर्ट सबमिट करवानी थी तो फिर यहाँ पर रिपोर्ट आता, लेकिन दोनों कमेटीज़ अपनी रिपोर्ट्स को 2 or 3 months में अलग अलग सबमिट करने वाली हैं इसलिए यहाँ पर रिपोर्ट्स आएगा। थर्ड है, अमिड कंप्लेंट्स बाय स्टूडेंट्स ऑफ इवेल्यूएशन फॉल्ट्स इन हिज, अब जो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स मतलब प्लूरल, तो हम यहाँ पर हिज यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, देयर, क्योंकि स्टूडेंट्स में लड़के लड़कियाँ ज़्यादा हैं तो एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम देयर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। तो हमारे तीनों सेंटेंसेस जो हैं वो गलत हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, ऑल 1, 2 and 3 आर इनकरेक्ट। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द पेशेंट्स वर ऑल्सो एक्सपोज टू रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद द डोर्स एंड विंडोज केप्ट ओपन फॉर वेंटिलेशन। केविन ड्यूरेंट इज सेट टू मेक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट डील एंड स्टे विद द गोल्डन स्टेट वॉरियर, बट द न्यू NBA चैम्पियंस डिड लूज अ लेजेंडरी प्लेयर ऑन मंडे। बट डिस्पाइट ऑफ दिस, थैंक्स टू His regiment, Prince Andrew had something to think about entirely apart from general questions. अब आपको फिर से रीड करने हैं तीनों सेंटेंसेस और फटाफट से आंसर्स को फाइंड आउट करना है।
तो हम आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि गलतियां कहाँ पर हैं। द पेशेंट्स वर ऑल्सो एक्सपोज्ड टू रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद द डोर्स एंड विंडोज केप्ट ओपन फॉर वेंटिलेशन। इसमें कोई भी टेंस की गलती नहीं है। प्रेपोजिशनल मिस्टेक्स बहुत, आपको यहाँ पर प्रेपोजिशंस दिखेंगे नहीं, केप्ट ओपन फॉर है, ऑफ है, जो बिल्कुल करेक्टली यूज़ की गई हैं। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। केविन ड्यूरेंट इज सेट टू मेक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट डील, कि एक कॉन्ट्रैक्ट डील बनाने वाला है, यहाँ तक सेंटेंस सही है। अगर आपको ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कीजिए कि सेंटेंसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और फिर उसको रीड कीजिए, ताकि आपको दिमाग में रहे कि आपने क्या पढ़ा और उसका क्या मीनिंग है और उस छोटे से पार्ट में कोई गलती है या नहीं। ओके, जैसे कि मैंने ये सेंटेंस यहाँ तक पढ़ा, एंड स्टे विद द गोल्डन स्टेट वॉरियर्स, बट द न्यू NBA चैम्पियंस डिड लूज अ, NBA चैम्पियंस एक टीम का नेम है, डिड लूज अ लेजेंडरी प्लेयर ऑन मंडे। तो यहाँ पर भी कोई भी ग्रामेटिकली एरर नहीं है, कोई भी टेंस को लेकर सेंटेंसेस सिंटेक्स कुछ भी गलती नहीं है। सेकेंड है थर्ड, बट डिस्पाइट ऑफ दिस थैंक्स टू हिज रेजिमेंट प्रिंस एंड्रयू हैड समथिंग टू थिंक अबाउट एंटायरली अपार्ट फ्रॉम जनरल क्वेश्चंस। पहले आप इतना सेंटेंस पढ़िए, बट डिस्पाइट ऑफ दिस थैंक्स टू हिज रेजिमेंट, हम प्रिंस की बात कर रहे हैं, हमने इसलिए हिज लगाया है। प्रिंस एंड्रयू हैड समथिंग टू थिंक अबाउट, थिंक अबाउट किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए, एंटायरली अपार्ट फ्रॉम जनरल क्वेश्चंस, कि जनरल क्वेश्चंस के अलावा भी उनके पास सोचने के लिए कुछ है। अब यहाँ पर जो गलती है वो है डिस्पाइट ऑफ की। जब भी हम सेंटेंस में डिस्पाइट को यूज़ करते हैं तो ऑफ को कभी भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर एरर किस में है, सेंटेंस थ्री में, इसलिए आपका आंसर होगा सी, ओनली थ्री। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द चेन्नई फ्रेंचाइजी विच इज सेट टू मेक इट्स डेब्यू इन द फिफ्थ सीजन ऑफ प्रो कबड्डी लीग हैज़ बीन नेम्ड तमिल थलाइवास। सेकेंड सेंटेंस, न्यू दिल्ली इज द आइडल वेन्यू टू गेट एक्लिमेटाइज्ड टू द करंट वेदर ऑफ कतर। दिस कैन बी यूज टू एड अ क्लोज इन अ सेंटेंस वेयर द ग्रामर फोर्स यू टू यूज अ नाउन। अब आपने क्या करना है, फिर से सेंटेंसेस को रीड करना है और पता करना है कि गलती कहां पर है। ओके, चलो हो गया, हम सेंटेंसेस को पढ़ेंगे वापस। द चेन्नई फ्रेंचाइजी विच इज सेट टू मेक इट्स डेब्यू इन द फिफ्थ सीजन ऑफ प्रो कबड्डी लीग, ये इतना जो पार्ट है वो एक सबॉर्डिनेट क्लोज है, इट मीन्स कि डिपेंड कर रहा है किसी उसके ऊपर। द चेन्नई फ्रेंचाइजी हैज़ बीन नेम्ड तमिल थलाइवास, यहाँ तक ठीक है। विच इज सेट टू मेक इट्स डेब्यू इन द फिफ्थ सीजन ऑफ प्रो कबड्डी लीग, यहाँ तक भी ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, हम इसे मार्क नहीं करेंगे। न्यू दिल्ली इज द आइडल, अब यहाँ पर हम आइडल वो वाला जो आदर्शों वाला आइडल है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आइडियल आना चाहिए था, ठीक है। आदर्श वेन्यू टू गेट एक्लिमेटाइज्ड टू द करंट वेदर ऑफ कतर, अब ये जो वेदर है वो कौन सा है, जो हम एक कंजंक्शन की तरह यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हमने मौसम वाला वेदर यूज़ करना था, तो यहाँ पर वेदर की गलती है। दो एरर्स आपको मिल गई। थर्ड है, दिस कैन बी यूज्ड टू एड अ क्लोज इन अ सेंटेंस, यहाँ तक आपका सेंटेंस ठीक है। वेयर द ग्रामर फोर्स यू टू यूज अ नाउन, अब ग्रामर क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, फोर्सेस, क्योंकि सिंगुलर, अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ठीक। तो यहाँ पर हमारे दो सेंटेंसेस सेकंड एंड थर्ड गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, बोथ सेकंड एंड थर्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट है, टिम फार्नम बिलीव दैट स्मार्टफोन एप्स आर डिजाइन टू बी एडिक्टिव विच वाज नॉट अ गुड थिंग फॉर चिल्ड्रन।
सेकेंड, अमेरिकन एयरलाइंस सेड दैट दे विल अलाउ फ्योनिक्स पैसेंजर फ्लाइंग ड्यूरिंग द पीक हीट फ्रॉम मंडे टू वेंसडे टू चेंज फ्लाइट विदाउट अ फी. एंड थर्ड है, देर इज एन अनकैनी सिमिलैरिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट बिटवीन द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एज वेल एज द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑन द कॉन्ट्रोवर्सीज दैट हैव टू डू विथ बिलीफ. ठीक है, आपके पास अब टाइम है, आप इसको रीड कीजिए. ओके, यहाँ पर हम लोगों को फैंस एंड लाइट्स सब कुछ फैंस ऑफ करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी एंड गर्मी होती है, तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिए वीडियो के ऊपर. अब सेंटेंसेस हमारे ये हैं कि टिम फार्मर बिलीव. टिम फार्मर क्या है? सिंगुलर नाउन. तो यहाँ पर क्या आएगा? बिलीव्स दैट स्मार्टफोन एप्स आर डिज़ाइन टू बी एडिक्टिव. यहाँ तक अब एक गलती तो हमें मिल गई, विच वॉज, क्योंकि हमारा जो पूरा सेंटेंस था वो प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? इज. ओके, तो ये सेंटेंस गलत हो गया. सेकेंड है, अमेरिकन एयरलाइंस जो कि एक कंपनी का नेम है, सेड दैट दे, इट मीन्स कि कंपनी सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आएगा? इट विल अलाउ फ्योनिक्स. सेकेंड मिस्टेक यहाँ पर है कि आपने सेड यूज किया. आपने अगर नरेशन के रूल्स पढ़े हैं तो वहाँ पर क्या होता है? रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. जब हम चेंज करते हैं इसकी नरेशन को, तो रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज करते हैं. अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में होगा. ठीक है, तो यहाँ पर सेड था और हमने इसका नरेशन को चेंज कर दिया, तो यहाँ पर विल की जगह पर क्या यूज़ होगा? वुड. सेकेंड मिस्टेक ये निकलाई, तो सेकेंड सेंटेंस भी गलत. ओके, और थर्ड है, देर इज एन अनकैनी सिमिलैरिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट बिटवीन. आपको अगर याद है कि बिटवीन के साथ हम क्या यूज करते हैं हमेशा? एंड. ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा? बिटवीन द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दैट इज RSS एज वेल एज की जगह पे हमारे पास क्या आना चाहिए था? एंड. ठीक, तो तीनों सेंटेंसेस हमारे इनकरेक्ट आ गए, तो आंसर क्या हुआ? ई, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट. ओके, क्लियर हुआ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट? हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसलिए चल रहे ताकि आपको एकदम से डिफिकल्ट सेंटेंसेस पे जाने के बजाय आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप डिफिकल्ट लेवल पे जाइए. एकदम से डिफिकल्ट पे जाने का मतलब आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एरर्स तो सेम ही रहती हैं. चाहे एरर स्पॉटिंग जो मर्जी कर लो, एरर्स चार पाँच चीज़ों के ऊपर ही बेस्ड है. टेंसेस, सिंटेक्स, फ्रेजेस, प्रेपोजिशंस हो गई, या फिर आपका जो नरेशन है या वर्ब है. ठीक, तो आपने करना क्या है? पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, फिर हायर लेवल के सेंटेंसेस पे जाएंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताराम हु हैज़ अ डिसेबिलिटी इन हिज लेफ्ट हैंड. यहाँ तक आपने सेंटेंस पढ़ा, ठीक है. कुड नॉट गेट हिज आधार कार्ड मेड. यहाँ तक भी सेंटेंस ठीक है. And was worried that the administration may discontinue his pension. Worried that सारा सेंटेंस जो था यहाँ, तो ये क्या हो गया? सबॉर्डिनेट क्लोज कि जो डिपेंडेंट क्लोज है सेंटेंस के ऊपर. ठीक, could not get his आधार कार्ड made past में. Was worried that the administration may. अब अगर हमने यहाँ पर past है was के साथ, could के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा? Might. Discontinue his pension. तो first वाला भी गलत हो गया. Get set to drive the iconic American SUV brand Jeep that hit Indian roads in August with a locally made model which is likely to carry an ट्री प्राइस ऑफ अराउंड 15 to 16 lakh. ओके, थोड़ा लंबा सेंटेंस है, आपको रीड करना है ध्यान से इसको. गेट सेट टू ड्राइव, हमने ड्राइव करना है कि तैयार रहिए. द आइकॉनिक अमेरिकन SUV ब्रांड जीप, यहाँ तक भी ठीक है. दैट हिट इंडियन रोड्स इन अगस्त,
ठीक है, विद अ लोकली मॉडल विच इज लाइकली टू कैरी एन एंटरप्राइज अराउंड 15 to 16 lakh. इट मीन्स कि हम किसी चीज़ की प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये पास में तो है नहीं सेंटेंस. और हमारे पास जो अमेरिकन एसयूवी ब्रांड जीप है वो क्या है, सिंगुलर. तो ये सिंगुलर जब हिट करेगी तो क्या होएगा, हिट्स, क्योंकि हम सिंगल जीप की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर दैट हिट्स द इंडियन रोड्स. तो यहाँ पर ये सेकेंड सेंटेंस भी हमारा गलत हो गया. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर थी, लेकिन एक सेंटेंस काफ़ी लंबा था तो उसको फाइंड आउट करने में थोड़ी गलती हो जाती है. तो ध्यान रखना है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. थर्ड है, विद मॉनसून अराउंड द कॉर्नर विलेजर्स इन बिजनौर फियर दैट दे मे बिकेम विक्टिम्स ऑफ स्नेक बाइट्स. रेन वाटर फोर्सेस दीज रेप्टाइल्स आउट टू देयर हैबिटेट हैबिटैट्स. इट मीन्स यहाँ पर एक तो सेंटेंस खत्म है. विद मॉनसून अराउंड द कॉर्नर, यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल ठीक है. विलेजर्स इन बिजनौर फियर दैट दे मे बिकम, जब भी आप मे माइट कैन कुड वुड शुड इस टाइप के हेल्पिंग वर्ब्स को या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज को यूज़ करते हैं, तो जो भी वर्ब आप इसके साथ यूज़ करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, राइट. जैसे विल कम, वुड कम, शुड कम, ठीक है, कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ होती है. तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा. तो तीनों सेंटेंसेज में एक एक एरर थी, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ई. क्लियर. और हमने 5 एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस किए हैं और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आए होंगे. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन सेंटेंसेस थोड़े से लेंथी थे. तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी. उसके पहले आपको ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जो नॉलेज है आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ती है, ठीक है. तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए इस वीडियो के लिए. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए. और हमारी एक एप्लीकेशन है, जीके डाइजेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब उसको इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और वहाँ पर कंटेंट हमारे जो भी नया कंटेंट हम डालते हैं सब कुछ आपको एप्लीकेशन मिलेगा. उसके अलावा जो हमारा IBPS PO का पेन ड्राइव कोर्स है जो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, आप उसे परचेज़ कीजिए अगर आप IBPS PO के लिए प्रेपरेशंस कर रहे हैं. और उसके भी जो परचेज़ लिंक है हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.